आंसू गैस के गोलों से किसानों को तीतर भीतर कर सकती है, तो किसान भी सब कुछ देने वाला है, अन्नदाता है, इस देश का पेट भरने वाला, तो तोड़ देख लो क्या निकाल रहा है प्रशासन को और जो आरएएफ की टीम को जो है पीछे धकेलने के लिए, गोलियों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए। देख सको हो जो प्राण है कहीं न कहीं जिस धुएं का प्रयोग जो है किसानों पर, किसानों को तीतर भीतर करने के लिए किया जा रहा था, उसी धुएं का प्रयोग अब किसान जो है प्रशासन को रोकने के लिए कर रही है। यानी के पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर, मैं मेनका देसवाल। भाई इस वक्त की जो है लेटेस्ट न्यूज है, अगर प्रशासन ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले किसानों पर फेंक सका है, तो किसान भी पतंग के साथ ड्रोन को नीचे फेंक सका है। ये किसानों का दिमाग है जो तरकीब जो है कुछ न कुछ निकाल ले है। लेकिन हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट ये है कि बुरी तरह से बुलेट जो है किसानों के ऊपर, जो प्लास्टिक की बुलेट है वो दागी जा रही है, तो किसानों ने भी अब तोड़ निकाल लिया है। अगर सरकार प्रशासन आंसू गैस के गोलों से किसानों को तीतर भीतर कर सकती है, तो किसान भी सब कुछ देने वाला है, अन्नदाता है, इस देश का पेट भरने वाला, तो तोड़ देख लो क्या निकाल रहा है प्रशासन को और जो आरएएफ की टीम को जो है पीछे धकेलने के लिए, गोलियों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए। देख सको हो जो प्राण है कहीं न कहीं जिस धुएं का प्रयोग जो है किसानों पर, किसानों को तीतर भीतर करने के लिए किया जा रहा था, उसी धुएं का प्रयोग अब किसान जो है प्रशासन को रोकने के लिए कर रही है। यानी के कहीं न कहीं किसानों ने तोड़ जो है निकाल लिया है। आप देख सकते हो हाल फिलहाल की जो है ये ताज़ा खबर है, और पूछना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई, क्यों इन सब चीज़ों का जो है सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पर। हाँ जी, ये किसान आपको दिख रहे हैं पीछे, एक बार कहेंगे पीछे कैमरामैन को ऊपर से दिखाओ, ये किसानों को ये पराल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत जी नहीं, उन्होंने मतलब ज्यादा लग रही गोलीबारी हो, आंसू गैस के गोले छोटे जान लग रहे हैं, बचने के लिए लग रहे हैं जी। मतलब लगभग आज कितने किसानों की जो है मौत होगी? तीन चार की मौत होगी जी। अच्छा जी। हाँ जी, गाल ज्यादा हो रही है, 250 से 300 जी, 250 से 300। हाँ जी, तो आप देख सकते हो जब जो है 250 से 300 किसानों के जो घायल होने की खबर किसानों में जो है तेजी से फैली, तो किसानों ने भी तोड़ जो है निकाल लिया गोलियों से बचने का। मतलब भाई वो बात है कि मरता क्या नहीं करता, मतलब धुम्मा दिल्ली तक पहुंचाया दिया और तो नहीं है जान दिन। अच्छा जी, या कोशिश है जी मारी। आपने नहीं लगता कि इस तरह जो है सरकार और प्रशासन फिर आप हिदायत देगा भाई इस तरह नहीं आपने धुआं करना? ना जी, सरकार तो कई दया दे, सरकार तो चावे नहीं है भाई कट मारे कुकने कुकरे। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं है जी किसान। अच्छा जी, लाठी चार्ज भी हुआ आज? हाँ जी, लाठी चार्ज भी हुआ है जी। तो देख सको भाई, एक बार कहना चाहेंगे उराना देख लो, बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ एकत्रित तो हो गए अपनी जान बचाने के लिए भी, अपनी आत्म रक्षा के लिए भी, और इधर कहेंगे दिखाना चाहेंगे एक बार किसानों ने भी तोड़ निकाल लिया है। अगर प्रशासन के पास आंसू गैस के गोले हैं तो किसानों पर भी देसी जुगाड़ अपना पराल, क्या कहना चाहोगे पलवन साहब? मैडम जी, मैं तो बे आया हूं जी। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से किसान अपने किसानों जी सरदार जी ने और तो देख को भाई किसानों पे भी तोड़ है, यानी कि किसान जो है बादो बैद है। अगर न्यू कहेगा रहना, अगर प्रशासन शेर है ना तो किसान सवा शेर है, वो बात जो है आज किसानों ने दिखा दी है। आप देख सकते हो उस साइड की तस्वीरें, आप देख सकते हो वो बिल्कुल ठीक पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, और वहाँ से जो है गोलीबारी, प्लास्टिक की गोलियाँ जो है किसानों पर चल रही हैं, लेकिन किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने भी गोलीबारी का तोड़ निकाल लिया। अब धुएँ से, जिस धुएँ का प्रयोग जो है किसानों पर किया जाता उसी धुएं से जो है प्रशासन को पीछे करने का जो है तरीका जो है निकाल लिया है किसानों के द्वारा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हाल फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज आई उसमें बताया गया कि 4 से 5 किसानों की जो मौत हो चुकी है, जबकि 250 से 300 किसान बुरी तरह से जख्मी हुए, जिनको एम्बुलेंस के थ्रू जो है अस्पतालों में पहुंचाया गया है। हाल फिलहाल की लिए लेटेस्ट न्यूज ताज़ा अपडेट है। मैं हूँ आपके साथ मेनका देसवाल, और आप बने रहिए पब्लिक मीडिया हरियाणा पे। लेटेस्ट न्यूज बिल्कुल लेटेस्ट जो है खनौरी बॉर्डर से हाल फिलहाल जो है खबर आई है कि 2 किसान जो है प्लास्टिक की गोलियां लगने से जो है मृत हो गए, डेड हो गया है। जानकार लेंगे इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि कुछ किसान यहां भी खड़े हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी। जी जी, क्या रिपोर्ट है वहां जी?
ਬਾਹਾਂ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, 15 ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਥਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੋੜੇ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। जिस प्रकार से किसान जो है अड़े हुए अपनी जिद पर कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दूसरी तरफ से जो प्रशासन है वो भी अपनी जिद पर अड़े कि हम एक इंच नहीं आगे जाने दे, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल लगभग 60 से ज्यादा किसान गुरुग्राम से, गुड़गांव से भी जो है गिरफ्तार किया। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में दिल्ली कूच कर पाएंगे किसान? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਂ ਸੇ ਥੇ ਜਿਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ। तो देख सको भाई, हाल फिलहाल की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो है गोली है खनौरी बॉर्डर पर पूरी तरह से जो है चल रही है, जिसमें दो किसानों की तो जो है मौत हो गई है और 15 से 20 जो है घायल हुए, ऐसी रिपोर्ट जो है सुनने में आई है। जबकि काफ़ी मात्रा में किसानों की जो है टांग और बाहें जो है तोड़ी गई हैं, बुरी तरह से लाठीचार्ज जो है किसानों पर किया गया है और आंसू गैस के गोलों का बरसाव आप देख सकते हो, किस प्रकार से किसान जो है खेतों में अब उतर चुके हैं। तो ये हाल फिलहाल की जो है लेटेस्ट न्यूज़ थी, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद जय हरियाणा। अरे हाँ भाई, खनौरी बॉर्डर पर, खनौरी और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पीछे आप देख सको आंसू गैस के गोले आप देख सको किस प्रकार का जो है किसानों के ऊपर जो है बरसाए जा रहे हैं। किसान है कि जिद पाड़े हैं, बोले दिल्ली कूच करवाएंगे। आज 11 बजे की कॉल थी, जिस प्रकार सबको पता है किसान नेताओं के द्वारा आज कॉल दी गई थी, कई दिन से पहले ही बता दिया गया था भाई अगर 21 फरवरी तक सारी मांगे जो हम मान ली तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सारे किसान मिलकर जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। खनौरी और शंभू दोनों बॉर्डरों से जो है किसान जो है बैरिकेड और तोड़ के, बॉर्डर तोड़ के जो है दिल्ली की तरफ जाएंगे। फिलहाल स्थिति आप देख सकते हो, एक और जो है पुलिस प्रशासन है, एक और सरकार है, दूसरी तरफ जो है किसान है, दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े। किसान कह रहे हैं कि हमारी सारी मांगे मान लो, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशासन है, वो कह रहे हैं कि हम एक इंच भी आपको जो है आगे नहीं बढ़ने दे सकते। आप देख सको किसान जो है खेतों में उतर चुके हैं तीतर भीतर करने के लिए, किसानों को बुरी तरह से जो है आंसू गैस के गोलों का जो है बरसाव किसानों पर किया जा रहा है। और किसान अब जो है हरी फसल में काफ़ी मात्रा में जो है फसल है वो भी किसानों की जो है ख़राब हो गई है, फसल में उतर चुके हैं और प्रशासन के द्वारा आंसू गैस जो है छोड़ी जा रही है। आप देख सकते हो क्या सिचुएशन बन गया, स्थिति क्या हो गई है, सांस लेना भी वहां पर जो है दुभर हो गया। इसलिए हम रिपोर्टिंग थोड़ी दूर से कर रहे हैं क्योंकि जो प्लास्टिक की बुलेट है वो भी किसानों के ऊपर जो है दागी जा रही है, यानी कि कहीं कहीं जो माहौल है वो और जो है तनावपूर्ण होता जा रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद जय हरियाणा।